हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन में डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या बोल सकते हो कि जो टीचिंग या फिर रिसर्च में जाना चाहते हैं। दोस्तों उन सभी लोगों के लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो पूरे वीडियो के दौरान बने रहे और हर एक पॉइंट को ध्यान सुने। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि आखिर आज के वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में कि कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे कि सेट एग्जाम कंडक्ट होता है, या बोल सकते हो कि कौन कौन से स्टेट हैं जो कि सेट या स्लेट का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का दोस्तों ये कमेंट आता रहता है जो हमारे हमने जो है सेट से रिलेटेड या स्लेट से रिलेटेड जो है यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं, तो उस पर जो है लोगों का कमेंट आता है कि सर हमारे स्टेट में क्या सेट का एग्जाम होता है या स्लेट का एग्जाम होता है, या जैसे जिस स्टेट से हो आप, बहुत सारे जैसे ओडिशा से, बिहार से, या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से जो लोग कमेंट करते हैं कि क्या यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होता है सेट का या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो है, उन सारे लोगों की क्वेरी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, और इसमें जो है वो स्टेट की लिस्ट आपको आगे जो है मिल जाएगी कि कौन कौन से स्टेट हैं जो कि सेट या स्लेट का एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो दोस्तों इस सेट या स्लेट एग्जाम के स्टेट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि आखिर ये सेट या स्लेट एग्जाम क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज ये वीडियो देख रहे होंगे उनको ये आइडिया नहीं होगा कि आखिर सेट या स्लेट एग्जाम क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि सेट SET का मतलब क्या होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, या उसी को जो है SLET स्लेट भी बोलते हैं किसी किसी स्टेट में। तो SLET का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो दोनों दोस्तों सेम होता है, सेट या स्लेट। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, यदि सपोज करो आप सेट या स्लेट एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जो है जैसे जिस स्टेट का आप सेट या स्लेट एग्जाम क्वालिफाई करते हो उस स्टेट के स्टेट यूनिवर्सिटीज में या फिर उससे रिलेटेड जो कॉलेजेस हैं, अफिलेटेड कॉलेजेस जो उन यूनिवर्सिटीज के हैं, उनमें आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, जैसे नेट का एग्जाम होता है कि नेट क्वालिफाई करने के बाद आप ऑल इंडिया लेवल पे आप जो है किसी भी स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, वो नेट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी होती है अभी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वैसे ही स्टेट या स्लेट एग्जाम भी होता है, उस पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और उस पर्टिकुलर स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो आई थिंक सेट या स्लेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और दोस्तों और भी डिटेल में जानने के लिए जो है ऑलरेडी मैंने जैसे सेट के बारे में दी, और आपको डिटेल जानना हो कि उसके लिए जो है एज लिमिट क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितने बार अप्लाई कर सकते हैं, उसमें पेपर के मतलब पैटर्न्स कैसे होते हैं। ठीक है, इस तरह के तमाम डिटेल्स जानने के लिए जो है आप आई बटन में आपको जो है ऊपर जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि आपको डिटेल सेट के बारे में पता चल जाएगा। और दोस्तों पेपर पैटर्न को लेकर कि सेट का पेपर पैटर्न जो है किस तरह का होता है, उसके लिए भी जो है मैंने अपने इसमें आई बटन में ऊपर आपको जो है लिंक दे दिया है, वहां से जो है आप देख सकते हो कि सेट या स्लेट एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, तो दोस्तों बिना डिले के हुए जो है आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और एक बात और आपको बता दें दोस्तों कि उन सारे वीडियोज के लिंक जो है जो सेट से रिलेटेड है मैंने अपने इस वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दे दिए हैं, वहां से भी आप चाहो देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के भी जो है उन सारे वीडियोज को आप देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों बिना डिले के हुए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वो सेट एग्ज़ाम जो स्टेट कंडक्ट कराते हैं वो लिस्ट जानने के लिए, वो देखने के लिए आप जो है यहाँ पे गूगल पे टाइप करोगे SET एग्ज़ाम स्टेट्स लिस्ट, और आगे जो है UGC टाइप कर देना। ठीक है, और दोस्तों इसको हम लोग देखेंगे, सर्च करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप आगे देखोगे कि एक UGC की जो है ये लिंक, UGC की वेबसाइट की लिंक जो है, जो कि UGC की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, यहाँ से आप इसको देख सकोगे। ठीक है, तो दोस्तों चूंकि आपको जो है थोड़ा सा तकलीफ होती है इसको सर्च करने में, जानने में, इसलिए मैंने जो है वीडियो बना दिया कि इजीली आप कहाँ से देख सकते हो, तो यहाँ से भी आप इसको जान सकते हो। और दोस्तों या तो आप जो है UGC की साइट से डायरेक्ट जा करके और वहाँ पर जो है वो डिटेल देख लो। ठीक है, कभी भी इस एग्ज़ाम को फिलअप करने से पहले जो है जब भी नोटिफिकेशन आए उसको आप अच्छे से पढ़ो, समझो, सेटिस्फाई हो, देन आप लगता है कि आप उस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, तभी आप उस फॉर्म को अप्लाई करो। और इस साइट से भी जो इस डिटेल को आप जाकर के जरूर से देख लेना। ठीक है, UGC की साइट से। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये जो है वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जैसा कि आप आगे देख सकते हो। अब जो है
जैसे यहाँ पे कौन कौन से स्टेट वो कंडक्ट कराते हैं, आगे आपको ये डिटेल दिया हुआ है दोस्तों। जैसे कि देख सकते हो ये दिया है स्टेट कंडक्टिंग स्लेट, ठीक है, मतलब स्लेट का एग्जाम जो है कौन से स्टेट कंडक्ट कराते हैं, स्लेट या सेट, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, ठीक है, कि एक ही होता है। जैसे आगे दिया है कि प्रेजेंटली सेट इज बींग कंडक्टेड इन द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है, मतलब यदि एट प्रेजेंट की बात करें हम लोग कि कौन कौन से वो स्टेट हैं जो कि सेट का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि पहला जो स्टेट आप देख सकते हो महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है, दिया है। दूसरा जो है तमिलनाडु, फिर थर्ड जो है मध्य प्रदेश, फोर्थ जो है आंध्र प्रदेश, फिफ्थ जो है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इस तरह के जो है और भी अभी स्टेट की लिस्ट आगे है। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ ही बेल आइकन पर जरूर से प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे हर वीडियो की और आप उन वीडियोज़ को देख सकें। तो दोस्तों आगे फिर हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे, जैसे कि जो सिक्स्थ जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, और सेवन्थ जो है राजस्थान, एट जो है वेस्ट बंगाल, फिर नाइन्थ जो है एन ई स्लेट, ठीक है, विच इंक्लूड्स ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सिक्किम, ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत जो है सारे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं और सिक्किम आता है, ठीक है, एन ई स्लेट के अंतर्गत। और टेंथ की यदि बात करें तो यहाँ पे कर्नाटका स्टेट है, ठीक है। इस तरह के जो है इस तरह से ये सारे जो हैं स्टेट हैं जो कि सेट या फिर स्लेट का एग्जाम जो है अभी फिलहाल जो है कंडक्ट कराते हैं। दोस्तों एक सजेशन और आप लोगों को देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं परेशान रहते हैं सेट या स्लेट एग्ज़ाम के लिए कि सर हमारे स्टेट में जो है सेट या स्लेट एग्ज़ाम नहीं होता है, या फिर सेट या स्लेट का एग्ज़ाम जो है कब मतलब होगा, जो है इसका फॉर्म कब आएगा। तो दोस्तों इतना ज़्यादा आप परेशान केवल सेट या स्लेट एग्ज़ाम के लिए ना हो, बल्कि आप नेट की प्रिपरेशन करो। स्लेट या सेट का एग्ज़ाम जब आता है, फॉर्म आता है, तो आप बिल्कुल अप्लाई करो और उसके लिए प्रिपरेशन करो। यदि हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, साइड में वो करके रख लो। लेकिन यदि आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप ऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो दोस्तों वो आई थिंक आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा यदि आप, और मेहनत भी कहीं आपको जो है ऐसा नहीं कि सेट में आपको बहुत कम मेहनत करना है और इजीली आप क्वालिफाई कर जाओगे, जबकि नेट में जो है बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना है। दोस्तों ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दोनों का पेपर पैटर्न सेम होता है, सिलेबस लगभग आप देखते हो सेम होता है। तो इस तरह से आप जब मेहनत उतना ही करो तो थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करके और अब नेट का एग्ज़ाम दो, यदि आप क्वालिफाई होता है तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। जबकि स्लेट के केस में पहले आपको मैंने बताया, पहले ही बता चुका है कि सेट यदि आप क्वालिफाई करते हो या स्लेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो केवल आप उस पर्टिकुलर स्टेट के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो दोस्तों नेट जो है आई थिंक आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। यदि आपको सजेशन अच्छा लगे तो आप ऐसा कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। दोस्तों इस तरह के वीडियोस अक्सर जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल कराते रहते हैं। यदि आपको जो आप अपडेट रहना चाहते हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, नेट सेट या फिर स्लेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यदि कर रहे हैं, तो दोस्तों उससे रिलेटेड गाइडेंस अक्सर अपने यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करते रहते हैं कि कैसे आप प्रिपरेशन करो तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। यदि आप PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी जो है यूट्यूब पर वीडियो जो है अवेलेबल हैं, और वहाँ से भी जो है आप उन वीडियोस को जो है हमारे वीडियो को उस देख सकते हो, जिससे कि आपको हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों इस तरह से इन सारे अपडेट से अपडेट रहने के लिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।